मेरे पीछे जो अतरंगी सी चीज़ देख पा रही हो, टेस्ला का साइबर ट्रक है और इस गाड़ी ने जो है क्या ही इंटरनेट पे धूम मचाई हुई है। लेकिन इस गाड़ी के कुछ चीज़ें हैं जो कि जेन्युइनली बहुत अलग है। ये गाड़ी फिलहाल मार्केट में मिलने वाली एकमात्र स्टेनलेस स्टील बॉडी वाली कार है। अब आप बोलोगे इसमें अलग क्या है, स्टेनलेस स्टील गाड़ियाँ तो स्टील की ही बनती है, पर एक्चुअली थोड़ा सा फ़र्क है अगर आप देखो ना जेन्युइनली, तो ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई गाड़ी है। और स्टेनलेस स्टील जो है उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि अदरवाइज बाकी गाड़ियों में नहीं होता है, वो स्टील के बने होते हैं। और स्टेनलेस स्टील जो है इस काइंड ऑफ एन अलॉय सॉर्ट ऑफ थिंग, आप ये मान लो, जो कि हमने कई जगहों पर देखा है। हमारे किचन यूटेंसिल्स में बहुत इस्तेमाल होता है, हमने इस कलर के जो है डस्टबिन्स बहुत देखे हैं, हमने इस कलर के फ्रिजेस के बाहर के आउटर देखे हैं, बहुत देखे हैं राइट हमने। तो ये स्टेनलेस स्टील जो है बाकी कंपनीज क्यों यूज़ नहीं कर रही है, टेस्ला इसको क्यों यूज़ कर रही है, उन सब चीज़ों की बात जो है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये एक AGBG वीडियो है, यानी कि ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन, जहाँ पर हम कुछ अतरंगी चीज़ों की, कुछ टेक्नोलॉजीज वगैरह की बात करते हैं जो कि अदरवाइज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आओ बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो एक बार इसके डिज़ाइन को छोड़ो, आप जो अजीब सा ये दिखता है उसको तो हम छोड़ दें एक बार की, उसके दिखने के पीछे एक बड़ा रीज़न इसके जो स्टील को चूज़ किया गया वो है कैसे। स्टेनलेस स्टील जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है मोल्ड करना, उसको ढालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हल्का सा ये मुड़ाव है, यहाँ पे ये घुमाव है, यहाँ पे देख लिया आपने, जैसे कि देख रहे हो एक यहाँ पे एक शार्प एज जो है बनाई गई है ये एक ही पैनल से। ये हर तरीके से ऐसे गाड़ियों में जो डिज़ाइन होती है अपने यहाँ पे बहुत शार्प एजेस लाइन वगैरह, वैसे कर पाना जो है स्टेनलेस स्टील के साथ में थोड़ा सा मुश्किल है। तो कंपनी को थोड़ा सा अलग कुछ दिखाना था, कंपनी को रिजिड रखना था। एग्जोस्केलेटन नाम की एक चीज़ होती है कि बाहर से ही ऐसे लोहे जैसा मजबूत, दिस इज लिटरली दैट मजबूत, कैसे मैं दे के मारूँ ना इसको तो भी इसका कुछ ना बिगड़े, और अदरवाइज मैं ऐसा किसी गाड़ी पे नहीं कर सकता हूँ कि मैंने ऐसे दे के मार ही दिया लिटरली, वैसी चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं ऐसा करता होगा, कोई भी नहीं जो ऐसे पहले आया फ्रंट में आके ये मार दिया आपकी गाड़ी पर, ठीक है ऐसे नहीं कर पाते। बट टेस्ला ने जो इसको एडवर्टाइज ही वैसे किया, उन्होंने बोला कि आप ऐसा मार लो, एक डेंट एक खरूंच हमारे यहाँ पे नहीं है, आप उसको साफ करो एंड इट बी ऑल क्लीन अगेन। तो वैसी चीज़ अलग अलग कंपनी को अलग अलग चीज़ ट्राई करनी है, उनको मार्केटिंग के लिए ये स्टैंड ट्राई करना था, तो उन्होंने यहाँ पे ये किया। अब उन्होंने किया तो है, तो डिज़ाइन की बनी नहीं, वो ऐसा मोल्ड वोल्ड करना मुश्किल है, बट मोल्ड वोल्ड तो इस तरीके से किया ही गया है, इसको तो मोल्ड किया ही गया है। वेल एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मोल्ड तो हो जाता है स्टील, एक तो टेस्ला ने प्रॉब्लम किया है, उन्होंने स्टेनलेस स्टील में भी जो है कोल्ड रोल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जो कि और ज़्यादा हार्ड होता है, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम ये है कि अगर मोल्डिंग के लिए जो डाई चाहिए होती है, जो बेसिकली मोल्डिंग के लिए जो जिस तरीके का सांचा चाहिए होता है, वो और ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है, तो वो भी उतना ज़बरदस्त मजबूत जो है वो रखना और फिर उसको करना वो सब इससे टास्क। और ऐसे पैनल्स बनाना बहुत ईजी है, तो फटाफट उन्होंने पैनल्स बनाए और गाड़ी असेंबल करना शुरू कर दिया। और टेस्ला क्योंकि प्रॉपर टिपिकल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो उनके लिए बनाना, उनकी वेल्डिंग करना, स्पॉट वेल्डिंग जॉइंट्स और उसमें इंजीनियरिंग करना, इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टास्क। तो उन्होंने बोला हम ऐसे डिज़ाइन के साथ में जाना चाहेंगे, हम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो क्यों ना ये भी हम चेंज कर दें। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पहली चीज़ ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया। DMC डेलोरियन एक बहुत ही फेमस गाड़ी रही है, उसमें आपने देखा होगा। फोर्ड ने एक्चुअली एक कंपनी के साथ मिलकर यहीं US में ट्राई किया था, 90 साल पुरानी बात होगी, उन्होंने किया हुआ है ट्राई, तो ट्राई तो लोगों ने किया है, उनको सब प्रॉब्लम्स क्या आई, वेल क्योंकि वो इतनी भयंकर मास स्केल पे गाड़ियाँ बिकी नहीं, तो कोई वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। स्टेनलेस स्टील के लिए कहा जाता है कलर वलर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रस्टिंग ही नहीं आती है, तो क्या कलर करोगे, आप अपने हिसाब से कलर करना चाहो तो कर लो बाद में, बट अभी कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, रस्टिंग एज सच नहीं आती है जो कि लोहे के साथ आ जाती है, बट स्टेनलेस स्टील जो है वो अलग तरीके से कॉरोड होता है। धीरे धीरे ये गाड़ियाँ रोड पे चलेगी, धीरे धीरे पता चलेगा कि अरे कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमने टेस्ट नहीं किए थे वो भी गाड़ी पे लग रहे हैं और करोजन वहाँ पे हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अदरवाइज़ हमें लग रहा था कि कोई भी गाड़ी पे नहीं गिराएगा, वो गिर रही हैं, वो चीज़ें गाड़ी के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं और वहाँ पर जो है प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे डाउन द लाइन वो प्रॉब्लम्स आने लगेगी तो सही, बट एज सच कोई मेजर डिसएडवांटेज जो है वो किसी भी मैन्युफैक्चरर ने सोचा नहीं था स्टेनलेस स्टील का। उनको बस यही था कि क्योंकि हमने स्टील में इतनी महारत हासिल कर ली है, हमने गाड़ी को मल्टीपल जो कि एलुमिनियम यूज़ करने लगे हैं कई ब्रांड्स चैसी वगैरह में, कई चीज़ें हमने करने लगी हैं, तो क्यों फालतू में जो एक नए अलॉयस पे इतना वो कर्ज किया जाए, जबकि वो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वजन भी सेव नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी नहीं दे पा रहा है। तो उन्होंने कभी ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, एंड ऑल्सो पीपल डोंट रियली लाइक ऐसा फ्लैट सर्फेसिस वगैरह, अब तक उनको गाड़ियों में डिज़ाइन वगैरह पसंद थी और डिज़ाइन वगैरह करने में जब मेहनत ज़्यादा करनी पड़े तो खाम का उस पर जाना ही क्यों। एंड ऑल्सो स्टील जहाँ पे अदरवाइज़ बोल रहे थे कि उसमें जंग वगैरह लोहे पे वगैरह जंग लग सकती थी, इस पे
उस पर भी उन्होंने इतना जो है कोटिंग वगैरह कई चीज़ें ईजाद कर ली थी कि अब वो ऑलमोस्ट ऐसा बहुत ज़्यादा लाइफ उसकी रहने लगी थी, तो खामखा क्यों एक नई चीज़ जो है वो ट्राई किया जाए, वैसी वाली चीज़ें। टेस्ला ने नई कंपनी है, नई चीज़ उन्हें ट्राई करनी थी, उनके लिए एक नया विजन था, कस्टमर्स को नए तरीके से अट्रैक्ट करना था, तो उनके लिए चीज़ चल गई। और अगर उनके लिए चली है, हो सकता है इन फ्यूचर कोई कंपनी जो है वो और ऐसी चीज़ लॉन्च करने लग जाए, बट ये बात के लिए तो आप श्योर रहें कि ऐसी डिज़ाइन कॉपी कोई इजीली नहीं करेगा, क्योंकि आउटराइट फिर वो होने लग जाएगा अगर ये टेस्ला जैसा बनना चाहते हैं, पहले उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ऐसा कुछ, तो वो चीज़ जो है आउटराइट कोई चीज़ नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी ये कहना गलत है, अभी तो रुको, आप एकदम ब्रांड न्यू चीज़ है, आपको धीरे धीरे ये देखो जैसे पैनल गैप्स अभी यहाँ बहुत दिख पा रहे हैं, शार्प एजेस दिख पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का बना हुआ है तो पेडिस्टन लॉज क्लियर नहीं करेगा, कई कंट्रीज में नहीं बिक पाएगा, मल्टीपल इश्यूज जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे, हार्ड है, कहीं जाके ठुकेगा तो सामने वाली गाड़ी का इम्पैक्ट, पूरी एनर्जी जो है अंदर बैठा ऑक्यूपेंट अपने पे ना ले ले, ये बिखर ना जाए, या ये क्योंकि हार्ड होती है, हार्ड चीज ब्रिटल भी एक पॉइंट के बाद में बहुत तेज होती है, तो मान लो एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के बाद में सारा एनर्जी जो है वो बिखर के टूट के बिखर जाए, तो वाली भी चीज़ है। टेस्ला ने एक और चीज़ की है जो कि विसल ब्लोअर्स ने उनको एक्यूज़ किया है कि इन्होंने जो रेगुलर सेफ्टी तरीके हैं फ्रेम के उनको डिनाई कर दिया, उन्होंने बोला कि हमारे स्टील यूज़ करने की वजह से बॉडी जो है ज़्यादा रिजिड हो गई है, तो उसकी वजह से जो इन्होंने जो रेगुलर तरीका होता है एक क्रैश वर्दीनेस का कि हाँ गाड़ी को क्रैश वर्दी बनाया जाए, सेफ बनाया जाए, उसको जो है दरकिनार किया है और उन्होंने उसकी मजबूती पे जो है डिपेंड किया है, तो हो सकता है वो एक पॉइंट ऑफ मतलब एक स्पीड एक इम्पैक्ट की एक स्पीड के बाद में जो है उनके लिए नेगेटिव साबित हो जाए, तो कई चीज़ें हो सकती है, क्रैश टेस्ट में गई नहीं है गाड़ी, जब जाएगी तो पता चलेगा। बाकी तो भैया मस्क भैया जाने उन्होंने बना दिया है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, मैं US आके वीडियो बना रहा हूँ, पैसे से खर्च कर रहा हूँ, तो अभी कुछ तो बात है इसमें जो पसंद आ रही है लोगों को, राइट? बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी यूनिक ट्रक, एंड ट्रक जैसी चीज़ें इसमें कम है, मतलब इट्स अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल व्हीकल, बट पिकअप लोड करके ले जाओगे तो ज़्यादा लॉजिक नहीं। वीडियो उसका पूरा बना हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। फिलहाल तो मैंने बाहर यार आपको इतना घुमा दिया क्योंकि अंदर कोई स्टील है नहीं वैसे, तो अंदर में क्या ही घुमाता आपको, जो है वो यहाँ तक ही आपके पास में। तो दैट इज़ इट अबाउट दिस वीडियो, अगर कुछ चीज़ें बाकी रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।